नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल सहायता पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो लेटेस्ट सूची है दोस्तों, उसे आप अपने मोबाइल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से नए लाभार्थियों का नाम पीएम आवास योजना ग्रामीण के सूची में ऐड की गई है। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक डिटेल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियोस हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। इसलिए सबसे पहले तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके ऑटोमेटिक इस वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। साथियों, यहां पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना होगा। आने के बाद साथियों, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है एफ कैटेगरी के अंतर्गत, ईएफएमएस रिपोर्ट्स के अंतर्गत। यहां पर साथियों, आपको तीसरे नंबर पर बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड अकाउंट फ्रोजन एंड वेरीफाइड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर हमें जो है यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर है उसे सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि 31 मार्च तक 2023 का ही जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलेगा। तो यहां पर दोस्तों 2022-23 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे ताकि जो लेटेस्ट सूची है उसे यहां पर हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो चलती है। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जितने भी नए लाभार्थियों का नाम जोड़ा जाएगा उसे हम लोग 2022-23 के अंतर्गत निकाल सकेंगे। दूसरे नंबर पर साथियों, हमें दोस्तों यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आएगी। तीसरे नंबर पर हमें अपना स्टेट जो भी है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। आप जिस किसी भी स्टेट से हैं, आप अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। चौथे नंबर पर हमें अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसे हम लोग यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट को यहां से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट को साथियों, जैसे हम लोग यहां पर सिलेक्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसमें हमें अपना जो भी प्रखंड होता है यानी कि जो भी ब्लॉक होती है दोस्तों, उसे सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो हम यहां से अपना जो भी ब्लॉक है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद दोस्तों जो अंतिम स्टेप है उसमें हमें अपना ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो जो भी हमारा ग्राम पंचायत होगा तो साथियों वहां से हमें इसे सिलेक्ट कर लेंगे, और दोस्तों जो पेज होगी वो रिफ्रेश हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। अभी यहां पर कुछ कैप्चा दिए हुए हैं, अगर माइनस करना होता है तो माइनस करना है और प्लस करना होता है तो दोस्तों प्लस करना है। यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं, हम लोग यहां पर माइनस करके सिंपली जो आंसर है उसे यहां पर लिख देंगे, और दोस्तों सिंपली जो सबमिट बटन है इस पर हम लोग यहां पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही साथियों हमारे सामने जो नई सूची है लाभार्थियों की वो कुछ इस प्रकार से निकल कर आ चुकी है। आपके साथियों 30 नए लाभार्थियों का नाम जोड़ा गया है पीएम आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर। यहां पर एक लाभार्थी है जिनका बैंक अकाउंट रिजेक्ट किया गया है, जिसमें बैंक अकाउंट नंबर इज इनवैलिड करके जो रीजन है वो दी गई है। तो साथियों, इस तरीके से आप भी पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सूची को अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं लाभार्थियों की लिस्ट का। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।